चाहे आप क्रॉक्स को पसंद करते हो या नापसंद करते हो, चाहे आप इन्हें यूज करते हो या ना करते हो, देर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट दीज आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड रिकग्नाइज्ड फुटवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड। सो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि क्या कारण है बिहाइंड द इनसेन पॉपुलैरिटी ऑफ क्रॉक्स और किस तरीके से इस कंपनी ने अगली से कल्ट स्टेटस तक के का सफर पूरा किया। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कनिष्क एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टाइल फॉर लाइफस्टाइल। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। साल था 2004 जब हॉलीवुड की एक मूवी इडियोक्रेसी की शूटिंग हो रही थी। उस मूवी की कॉस्ट्यूम डिजाइनर के पास लिमिटेड बजट था और उसने एक सर्टन प्रकार के फुटवेयर को यूज करने की सोची जो उस समय एक अपकमिंग स्टार्टअप कंपनी मैन्युफैक्चर करती थी। जब उस मूवी के प्रोड्यूसर ने पूछा कि व्हाट विल हैपन अगर इस मूवी के रिलीज के साथ साथ ये फुटवेयर भी पॉपुलर हो जाए, एंड यू नो व्हाट वाज द रिस्पांस ऑफ दैट कॉस्ट्यूम डिजाइनर, उसने कहा कि एक बार इन फुटवेयर को ध्यान से देखो, तुम्हें लगता है कि कोई इस प्रकार के गंदे फुटवेयर पहनेगा? एंड दैट कंपनी इज क्रॉक्स। क्रॉक्स एक अमेरिकन फुटवेयर कंपनी है जिसे साल 2002 में तीन दोस्तों ने स्टार्ट किया। ये फुटवेयर ओरिजिनली बोटर्स के लिए मार्केट किए गए थे जो एक ऐसा स्टडी फुटवेयर चाहते थे विच वर्क्स वेल बोथ इन वाटर एंड ऑल्सो इन फ्लैट सर्फेस। वाइल ये इस कम्युनिटी में बहुत जल्दी पॉपुलर हो गए, लेकिन इन द फैशन सर्किट दे वेर कंसिडर्ड ऑड, ओल्ड फैशन एंड अनकूल, और अगर हम सिंपल शब्दों में बोले सो दे वेर कंसिडर्ड अगली। और यहाँ पे इस कंपनी के प्रमोटर्स ने बहुत समझदारी का काम किया। इंस्टेड ऑफ मेकिंग चेंजेस इन द प्रोडक्ट, उन्होंने लोगों के नज़रिए में चेंज लाने की कोशिश की। उन्होंने इस प्रोडक्ट को एज एन एंटी एस्टैब्लिशमेंट फुटवेयर की तरह प्रमोट किया एंड दिस वर्क्ड वंडर्स फॉर द ब्रांड। लोगों ने इस प्रोडक्ट को एंटी फैशन स्टेटमेंट की तरह यूज़ करना चालू किया। ये ऐसे लोग थे जो कि रेगुलर फैशन साइकिल से और स्टाइल सर्किट से बोर हो गए थे एंड दे वेर कॉन्फिडेंट इनफ टू वेयर समथिंग जिसे दुनिया अगली कंसिडर करती थी। इसके कारण एक बहुत बड़ा चेंज ये आया कि लोगों ने इस प्रोडक्ट को नोटिस करना चालू किया, इसके बारे में बात करना चालू किया, इवन वेन दे वेर नॉट यूजिंग इट, इवन वेन दे वेर नॉट लाइकिंग इट। एंड एज इट इज सेड दैट नो पब्लिसिटी इज बैड पब्लिसिटी, स्लोली एंड स्टेडली दीज फुटवेयर गेन्ड पॉपुलैरिटी। और ये इतने कंफर्टेबल थे पहनने में और यूटिलिटी वाइज ये इतने बढ़िया थे कि एक बार किसी ने अगर इन्हें यूज़ किया, ट्राई किया या पहना, सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू लेट गो ऑफ दीज। स्लोली एंड स्टेडली दे गेन्ड पॉपुलैरिटी। और यही वो समय था जब फैशन डिजाइनर्स और ब्रांड्स ने क्रॉक्स के साथ कोलैबोरेट करना चालू किया। 2017 में ब्रिटिश फैशन डिजाइनर क्रिस्टोफर केन ने क्रॉक्स को अपने लंदन फैशन वीक के रनवे में यूज किया एंड दैट इज व्हेन ग्लोबली पीपल स्टार्टेड सीइंग इट एंड रिकॉग्नाइजिंग दिस ब्रांड। और इस फैशन वीक के बाद बहुत से डिफरेंट ब्रांड्स, बहुत से अनकन्वेंशनल ब्रांड्स और बहुत से सेलिब्रिटीज ने क्रॉक्स के साथ एसोसिएट करने की, कोलैबोरेट करने की इच्छा जाहिर की, राइट फ्रॉम जस्टिन बीबर टू बेलेंसियागा, फ्रॉम रिटेल चेन लाइक 7-Eleven टू फास्ट फूड ब्रांड लाइक KFC। हर इंडस्ट्री का लीडर क्रॉक्स के साथ कोलैबोरेट करना चाहता था सो दैट दे मेक अ स्पेसिफिक फुटवेयर फॉर देयर ब्रांड। और ऐसा नहीं है कि ये एसोसिएशन सिर्फ वेस्ट तक के सीमित था, इवन इन इंडिया बीरा बियर ने इसके साथ कोलैबोरेट किया टू मेक अ यूनिक एंड अ फंकी सेट। इस कंपनी का एक बड़ा माइलस्टोन आया 2020 में ड्यूरिंग द कोरोना पेंडेमिक, जब लोग घर के अंदर बंद थे, तब पूरी दुनिया के फैशन में एक शिफ्ट आया एंड पीपल स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग टूवर्ड्स एथलीजर। लोग और कंफर्टेबल ड्रेसिंग प्रेफर करने लगे और उस आउटफिट के साथ एक फुटवेयर जो कि सीमलेसली जाता था वॉज क्रॉक्स। यू जस्ट कंसिडर कि फाइनेंशियल ईयर 21 के फर्स्ट हाफ में कंपनी ने जितना रेवेन्यू जनरेट किया, इट वॉज मोर देन द इंटायर रेवेन्यू जनरेटेड इन द ईयर 2020। ये आलम था क्रॉक्स की प्रॉफिटेबिलिटी का और ये आलम था लोगों की एक्सेप्टेंस फॉर दिस ब्रांड का। लेकिन क्या ऐसे कारण थे जिन्होंने क्रॉक्स की पॉपुलैरिटी में सहयोग दिया? फर्स्ट इज द प्रोडक्ट क्वालिटी। जिस मटेरियल से क्रॉक्स को बनाया जाता है वो बहुत ही कंफर्टेबल है, वो बहुत ही ड्यूरेबल है, वो बहुत जल्दी गंदा नहीं होता, उसे स्मेल नहीं आती, जिसके कारण आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही प्लीजिंग होता है। सेकेंड रीजन इज द प्रैक्टिकलिटी। जिस प्रकार से इन फुटवेयर को बनाया गया, चाहे आप गीले सर्फेस में हो, चाहे आप सूखे सर्फेस में हो, ये फुटवेयर स्टडी रहते हैं। सामने से इनका बॉक्सी स्ट्रक्चर आपके पाँव को दबाता नहीं है, इनफैक्ट उसे थोड़ी बहुत मूवमेंट के लिए अलाउ करता है, और इसके पीछे का स्ट्रैप इस प्रोडक्ट की यूसेज में एक वर्सिटैलिटी देता है।
इन सब फीचर्स के कारण ये प्रोडक्ट बहुत सारी डिफरेंट फील्ड्स में लोग यूज़ करना चालू किए, प्लेसेस लाइक कॉफ़ी शॉप, रेस्टोरेंट्स, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एंड सैनिटेशन वर्कर्स। इन लोगों के लिए क्रॉक एज अ फुटवेयर स्टाइल से ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी और कम्फर्ट में खरा उतरा और इसीलिए इसकी एक्सेप्टेंस और ज़्यादा बढ़ गई। एक और बहुत बड़ी चीज़ है जिसने इसकी पॉपुलैरिटी में कंट्रीब्यूट किया, स्पेशली अमंग चिल्ड्रन एंड यूथ, इज दी पर्सनलाइजेशन। क्रॉक्स को और डेकोरेट करने के लिए कंपनी ने जिबिट्स को लॉन्च किया, जिसे यूज़र अपने पसंद के बेसिस पे क्रॉक्स को डेकोरेट कर सकता था, उसे एक बहुत ही पर्सनलाइज्ड इफेक्ट दे सकता था। जब भी आप किसी प्रोडक्ट में अपने पसंद के हिसाब से चेंजेस करते हैं, उसे कस्टमाइज़ करते हैं, सो आपकी उस प्रोडक्ट के लिए लाइकलीनेस, फॉन्डनेस और इमोशनल कोशेंट और बढ़ जाता है। एंड दिस इज एग्जैक्टली वॉट हैपेंड विथ क्रॉक्स, जिसके कारण दिस प्रोडक्ट बिकेम वेरी वेरी पॉपुलर, मोर फन एंड मोर पर्सनलाइज टू द यूज़र। दिस इज़ वन फुटवेयर जो कि हमेशा आपको कंफर्टेबल रखेगा और आपके लिए ड्यूरेबल रहेगा। दीज आर टू मेन पॉइंट्स जो हर शख्स अपने फुटवेयर में देखता है एंड दीज आर एग्जैक्टली द टू फीचर्स जो क्रॉक्स हमेशा अपने फुटवेयर में ऑफर करता है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो लेडीज एंड जेंटलमैन। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एज ऑलवेज टेक केयर एंड स्टे स्टाइलिश।